प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर केस, इस सिलसिले में लगातार कोर्ट में सुनवाइयां हो रही हैं। इसी बीच बुधवार को अतीक अहमद को नैनी जेल में रखा गया। जेल में अतीक अहमद की पहली रात बेचैनी, टेंशन और घबराहट में गुजरी। इसकी वजह थी कि उसे अगले दिन कोर्ट में पेश होना था। इसी टेंशन में उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। ये हाल उसके भाई अशरफ का भी था। दोनों के लिए फैसले से पहले की आखिरी रात बेहद मुश्किल भारी थी। अतीक अहमद को नैनी जेल के बेहद हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। 16 सीसीटीवी कैमरे से उस पर निगरानी रखी जा रही है। अतीक के सेल की मॉनिटरिंग लखनऊ से हो रही है। उमेश अपहरण मामले में 28 मार्च को अतीक अहमद और उसके भाई समेत 10 आरोपियों को प्रयागराज के MP MLA कोर्ट में पेश किया गया। ये मामला 16 साल पुराना है। शाम को जैसे ही अतीक अहमद को नैनी जेल लाया गया तो उसका मेडिकल कराया गया। उसके बाद उसे जेल की मैनुअल के हिसाब से खाना दिया गया। खाना खाने के बाद आराम के वक्त अतीक अहमद के चेहरे पर एक तनाव दिखाई दिया था। हाई सिक्योरिटी सेल में अतीक अहमद बहुत कम सोया। कई बार उसने अपने सिर पर गमछा बांधा तो कई बार उसे उतारा, यानी उसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। लखनऊ से भी अतीक अहमद के हाई सिक्योरिटी सेल पर नज़र रखी जा रही थी। बता दें कि रमज़ान का महीना है, अतीक का भाई अशरफ रोज़े रख रहा है। सुबह सहरी के लिए उसे दूध और रोटी दी गई, इसके अलावा खजूर और पानी भी दिया गया था। बीमारी की वजह से अतीक ने रोज़े नहीं रखे हैं। अशरफ ने जेल की बैरक में ही नमाज अदा की। उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर माफिया अतीक अहमद के खिलाफ वकीलों का गुस्सा फूटा। वकीलों ने अतीक के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वकीलों के प्रदर्शन और हंगामे को देखते हुए प्रयागराज CGM कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। उन्होंने अतीक और अशरफ तक वकीलों को पहुंचने से रोका। वकीलों के हंगामे को देखते हुए कोर्ट परिसर में हालात काफी तनावपूर्ण बन गए थे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।